गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पाठ दो मीरा के पदों की व्याख्या करेंगे, जिसकी कवित्री है मीराबाई। उसके विषय में मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि इनका जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ था और इनकी इनका जो कम उम्र में ही 13 साल की उम्र में विवाह हो गया था, जो कि मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर पुत्र भोजराज के साथ। और फिर क्या हुआ कि इनकी जो बाल्यकाल में ही इनकी जो माँ का देहांत हो गया था, और कुछ सालों के बाद विवाह के कुछ सालों के बाद इनके पति, फिर पिता, और युद्ध के दौरान इनके ससुर का भी स्वर्गवास हो गया था। इस कारण इनका जो जीवन है वो दुखों में ही बीता। इससे परेशान होकर के, भौतिक जीवन से परेशान होकर के, इन्होंने अपने घर परिवार को त्याग दिया और वृंदावन में जाकर के अपने आराध्य श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपनी उनकी भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसमें से ये दो पद हैं, उन्होंने इनको राजस्थानी, भोज, गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा व पूर्वी भाषा में इनको लिखा है। तो आइए हम उन पदों की व्याख्या करते हैं। उनका पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गज राज राख्यो काटी कुंजर पी, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भी। हरि आप हरो, हरि अपने उन्होंने ईश्वर को कहा है श्री कृष्ण को, हरो मीन्स कष्ट को दूर करो, जन री भीड़ मतलब लोगों की तुमने पीड़ा को, भीड़ मीन्स पीड़ा को जो दूर किया है। द्रौपदी री लाज राखी, द्रौपदी की जिस तरह आपने लाज को रखा, आप बढ़ायो चीर, उनका चीर बढ़ा करके जिस तरह आपने द्रौपदी की रक्षा की। भगत कारण रूप नरहर धर्यो आप शरीर, भक्त प्रहलाद की आपने उनके पिता हिरण्यकश्यप का वध करके जो रक्षा की और उसके लिए आपने नरसिंह रूप धारण किया। बूढ़ तो गजराज राख्यो, गजराज हाथियों के राजा ऐरावत को आपने डूबने से बचाया। इस प्रकार काटी कुंजर पीर, आपने कुंजर मीन्स हाथी, उस हाथी की पीड़ा को काटा, दूर किया। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर, तो यहाँ दासी मीरा क्या कहती कवित्री कि हे गिरधर गोपाल, आप हमारी भी पीड़ा को दूर कीजिए। इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग दो के काव्यखंड से मीरा के पद से लिया गया है। इसकी कवित्री मीराबाई है। वे इस पद में ये कहना चाहती है कि हे ईश्वर, जिस तरह आपने लोगों का कष्ट हरा, द्रौपदी, भगत प्रहलाद और ऐरावत हाथी की रक्षा की, उस तरह आप हमारी भी पीड़ा को दूर कीजिए। दूसरा पद है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बा लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धैन चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो यमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवणो घणो अधीरा। इसका मतलब है, श्याम महाने, श्याम उन्होंने अपने श्री कृष्ण के लिए श्याम पुकारा है, महाने मतलब मुझे, चाकर मीन्स चाकरी पर, नौकरी पर, राखो मीन्स रख लीजिए,
गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। यहाँ उन्होंने फिर से विनय अन्य विनय की है कि हे गिरधर गोपाल, मुझे अपने यहाँ चाकरी पर रख लीजिए। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, मतलब मैं चाकरी पे जब आपके यहाँ रहूंगी तो मैं बाग लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यूं, मतलब मैं हर दिन आपके दर्शन करूंगी। वृंदावन री कुंज गली में, वृंदावन की जो छोटी सकरी गलियां हैं उसमें गोविंद लीला गास्यूं, मतलब मैं आपके गुणों का बखान करूंगी, आपकी लीलाओं का यशोगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमरण पास्यूं खर्ची, चाकरी में मैं आपके दर्शन करूंगी, जब मैं आपकी चाकरी करूंगी नौकरी तो मैं उसके उपलक्ष में मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ और आपके नाम का स्मरण करना चाहती हूँ, आपकी भक्ति करना चाहती हूँ। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, भक्ति रूपी भाव जब मेरे मन में आ जाएगा तो मैं समझूंगी कि मुझे जागीर मिल गई है, पूरा साम्राज्य मैंने प्राप्त कर लिया है। तीनों बाता सरसी, मतलब ये तीनों बातें ही समान हैं, भाव भक्ति नाम का स्मरण और उनके दर्शन करना। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, यहाँ उन्होंने अपने प्रभु का गुणगान किया है सुंदरता का, कि मेरे जो आराध्य देव हैं उनके सिर पर मोर की पंखी का मुकुट है, पीले वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए इसलिए वे सुशोभित हो रहे हैं, गले में बैजंती की फूलों की माला है। और वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, जो मेरे मोहन हैं उनके होठों पर मुरली विराजमान है, वे वृंदावन में गायों को चराते हैं। मैं उनके लिए चाकरी में और क्या क्या करूंगी, यहाँ उन्होंने फिर से कहा है कि मैं उनके लिए ऊंचा ऊंचा महल बनावा, ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, बीच बीच राखू बारी, बीच बीच में मैं कुछ झरोके रखूंगी। किस लिए? सांवरियारा दर्शन पास्यूं, मतलब मैं अपने सांवरिया जो अपने मेरे श्री कृष्ण हैं, जो मेरे आराध्य हैं गिरधारी लाल हैं, मैं उनके दर्शन पाना चाहती हूँ। कैसे? केसरिया रंग की साड़ी पहन करके मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, उन्होंने क्या कहा है, जमुना जी रे तीरा, कहाँ पर? यमुना किनारे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा, हिवड़ो घड़ो अधीरा, हिवड़ो मीन्स मेरा जो हृदय है, घड़ो मीन्स अधिक, अधीरा मीन्स व्याकुल, जो मेरा हृदय इतना अधीर है। किस लिए? क्योंकि वो प्रभु के दर्शन करना चाहती है। कब? यमुना किनारे अर्धरात्रि पर। वो इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि वो उनके दर्शन के लिए हर पल हर क्षण उनको देखना चाहती हैं, वो उनकी इतनी गहरी भक्ति करती हैं कि उनसे बिछुड़ करके जीना नहीं चाहती, इसका बस यहाँ यही तात्पर्य है। और इसमें भाव भक्ति या भाव वर्ण की आवृत्ति हुई है, जब एक वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, मोर मुकुट, इसी तरह यहाँ पर मा वर्ण की आवृत्ति हुई है और दर्शन यहाँ पर दा वर्ण की आवृत्ति हुई है, मोहन मुरली यहाँ मा वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो मोहन मुरली दर्शन दीजियो, भाव भक्ति मोर मुकुट, इनमें अनुप्रास अलंकार है। ऊंचा ऊंचा बीच बीच, यहाँ बीच में डैश है और सेम वर्ण होने के कारण इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग दो के मीरा के पद से लिया गया है। इसकी कवित्री मीराबाई है। वे इस पद में ये कहना चाहती हैं कि हे ईश्वर, हे मेरे गिरधारी लाल, आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। यही इसका प्रसंग है और इसमें आपको इस प्रसंग को प्रस्तुत करना है। धन्यवाद।